हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना। जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था, हमने कुछ संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था, ऐसे ही आज हम उनसे आगे का वर्ग निकालना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे हमें दिया हुआ है 18 का हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए हम देखते हैं इसका कैसे स्क्वायर निकलता है। हमें इसमें 18 में दो संख्या दी हुई है, एक संख्या ये और एक संख्या ये। पहले हम किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? एक का स्क्वायर 01 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। फिर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8। फिर हम इस 8 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आएगा 16 आएगा। तो हमें एक संख्या पीछे छोड़नी है और एक संख्या इसके पीछे छोड़नी है। और इस 16 को 1 यहाँ पर लिखेंगे और 6 यहाँ पर लिख के इन सबको जोड़ देंगे। हमारा बनेगा 4 × 6 = 12, हासिल को 1 × 2 = 3। तो हमारा जो निकल के आया इसका वर्ग, वो हमारा 324 आया है। चलिए हम 19 का भी देख लेते हैं। ऐसे ही सही दोनों संख्याओं का वर्ग अलग अलग निकालेंगे। 1 का वर्ग 01 और 9 का वर्ग 81। अब इन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9, और फिर इस 9 की इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18। फिर ऐसे ही करना है, एक संख्या इधर छोड़नी, एक संख्या इधर छोड़ोगे। इस 18 को हम इन दोनों संख्याओं के नीचे उतार कर इनको जोड़ देंगे, 1 × 1 = 8 × 8 = 16 / 6 हासिल को 1 × 3। तो ये इसका वर्ग हमारा निकला 361। ऐसे ही कुछ और भी सवाल लिए हुए हैं मैंने, जैसे लिया हुआ है मैंने 21 का वर्ग। चलिए 21 का वर्ग निकालते हैं। 21 का वर्ग भी ऐसे ही करेंगे, इसमें भी हमें दो संख्या दी हुई है, इन दोनों संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 वर्ग कर लिया और 1 का वर्ग 01। फिर इन दोनों संख्या के आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 2, फिर इस 2 की इस 2 में मल्टीप्लाई, तो हमारा 4 आया। हम इसके आगे एक इसके पीछे एक 0 लगा देंगे, एक संख्या इधर छोड़ के 0 और 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 4 1। तो हमारा जो इसका वर्ग निकला है वो 441 निकला है। ऐसे ही 23 का वर्ग देखते हैं हम। दोनों संख्या का अलग अलग वर्ग करेंगे, 2 × 4 और 3 × 9। फिर इन दोनों संख्या के आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 6 0 और 6। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई, 6 × 12। एक संख्या इधर छोड़कर इस 12 को हम यहाँ लिख देंगे और फिर इन्हें हम जोड़ देंगे, 9 2 4 1 5। इसका वर्ग जो हमारा निकला 529 निकल गया। ऐसे ही हमारे दो सवाल है, इसका वर्ग करेंगे 2 × 4 और इसका भी वर्क करेंगे 4 × 16। अब इन दोनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई, 4 × 8 और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 8 × 16। एक संख्या इधर छोड़नी है और 16 को बीच में निकला है लिखना है और फिर इन सबको जोड़ना है, 6 × 6 = 7 × 4 = 5। जो इसका वर्ग निकला 24 का, वो 576 निकल गया। चलिए एक सवाल ये देखते हैं, 33 का वर्ग। दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग करेंगे, 3 × 9 और 3 × 9। अब इन दोनों संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 9। अब इन दोनों की 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18। ऐसे ही एक संख्या इधर छोड़नी और 18 को बीच में निकला है लिखना है, 18 हमने लिखा और सबको जोड़ देना है, 9 8 9 1 10। तो जो हमारा 33 का वर्ग निकला है 1089 निकला है। नेक्स्ट क्लास में हम 3 संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।